गुड मॉर्निंग बच्चों, ईवीएस में मैडम ने आपको लेसन पढ़ाया था 22 ओवर अर्थ। आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज वैली। वैली क्या होती है? द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड ए वैली। क्वेश्चन टू, नेम टू ट्रीज डैट ग्रो ऑन हिल्स। हिल पे जो ऊंची जगह होती है, पहाड़ियाँ, उन पे क्या क्या जगह, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उगाते हैं? आंसर, वन एप्पल्स, टू प्लम्स। नंबर थ्री, नेम द थिंग वी ग्रो ऑन लैंड। हम ज़मीन पर क्या क्या उगाते हैं? आंसर, क्या क्या उगाते हैं? फूड ग्रेन्स, अनाज, फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियां हम ज़मीन पे उगाते हैं। क्वेश्चन फोर, व्हाट इज द अर्थ मेड ऑफ। जो अर्थ है किससे बनी है? आंसर, द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। क्वेश्चन फाइव, हाउ डज ए रिवर फॉर्म। रिवर कैसे बनती है? आंसर, द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट टू फ्रॉम रिवर्स। जो स्नो होती है माउंटेन के ऊपर, बर्फ होती है, वो मेल्ट होती है, पिघलती है, और वो फिर क्या बन जाती है? फॉर्म रिवर्स, वो नदियाँ बन जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चे, क्रॉसवर्ड पजल्स। अक्रॉस द टॉप्स ऑफ माउंटेन आर कवर्ड विद। देखिए यहाँ पे नंबर वन क्या है? एस लिखा है, तो क्या है? स्नो, एस एन ओ डब्ल्यू, स्नो, तो यहाँ पे स्नो लिखेंगे। नंबर टू, फ्लोस डाउन द माउंटेन। माउंटेन से फ्लो बहती है क्या? नंबर टू देखिए, ये पजल में नंबर टू आर लिखा है, रिवर्स, आर आई वी ई आर एस, रिवर्स। नंबर थ्री, डाउन, अब डाउन में है, इट इज मेड ओवर अर्थ, द लो लैंड टू हिल्स आर माउंटेन। मेड ओवर अर्थ, नंबर थ्री देखिए, ग्लोब, ये ग्लोब बनता है, थ्री नंबर पे ग्लोब आएगा। और नंबर फोर, द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स, तीन दो माउंटेन के जो हिल पहाड़ में, उनके जो बीच में जगह होती है, उसे क्या कहते हैं हम? वैलीज। तो बच्चों ये आप बुक में करेंगे, और क्वेश्चन आंसर जो है आप इसको लर्न भी करेंगे और अपनी नोटबुक में भी करेंगे। ओके बच्चों।